सकल ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में विप्र जन शामिल हुए। सकल ब्राह्मण समाज कल्याण समिति द्वारा रविवार को भगवान विष्णु के छठे अवतार समस्त सनातन धर्मियों के आराध्य देव राजराजेश्वर भगवान श्री परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा शाही ठाटबाद के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से निकली। रविवार दोपहर 3:30 बजे सकल ब्राह्मण समाज कल्याण समिति के मार्गदर्शक मंडल सदस्यों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसके पश्चात 4:30 बजे शोभा यात्रा रतन देवी जैन मांगलिक भवन गांधी वाटिका से प्रारंभ हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों जाजू बिल्डिंग घंटाघर फव्वारा चौक कमल चौक होती हुई पुनः रतन देवी जैन मांगलिक भवन पहुंचकर धर्मसभा में परिवर्तित हुई। शोभा यात्रा का प्रमुख आकर्षण फूलों से श्रृंगारित भगवान श्री परशुराम जी का रथ भस्म रमैया मंडल महाकाल उज्जैन वैदिक मंत्रोच्चार्य की मंगल ध्वनि करते गुरुकुल के बटुक विद्यार्थी व मालवा के बैंड व ढोल बाजे रहे। इस अवसर पर शोभा यात्रा के पश्चात आवंतर भानपुरा पीठ के युवाचार्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी तीर्थ के आशीर्वचन हुए तथा समाज के दक्षजनों का सम्मान समारोह एवं प्रसादी कार्यक्रम आयोजित किया गया। शोभा यात्रा में ब्राह्मण समाज की महिला पुरुष व बालिकाएं भगवान श्री परशुराम जी के भजनों व ढोल की थाप पर थिरकते हुए चल रही थी। शोभा यात्रा जिन जिन मार्गों से होकर गुजरी वे मार्ग भगवान श्री परशुराम के जय घोष से गूंज उठे।